नमस्कार रंगदेव वसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। दोस्तों, शाहीन बाग हो या कल की मौजपुर की पत्थरबाजी हो, सभी जगह उपद्रवियों के हाथों में अंबेडकर साहब की फोटो हो तो समझ जाइए कि 70 वर्ष पुरानी बंटवारे की सेम स्क्रिप्ट बस दोहराई जा रही है। बस चेहरे बदले हैं, सन बदले हैं, साल बदले हैं और एक बार फिर एक धोखे का शिकार दलित समुदाय होने जा रहा है। अभी कई दिन पहले ओवैसी के चेले वारिस पठान ने एक चेतावनी दी थी कि 100 करोड़ लोगों पर भारी पड़ेंगे 15 करोड़। 100 करोड़ और 15 करोड़ का अंतर तो आप जानते होंगे। कई लोगों ने इस पर एतराज़ जताया था कि ये अभियान हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि कर्नाटक में इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन इस बयान में छिपा हुआ एक सत्य सामने आ गया। पूरा मामला समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी ताकि असल में पूरी सच्चाई सामने आ सके। दरअसल ये बयान न बीजेपी के खिलाफ है न हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि इन्हें तो ये लोग अपना शत्रु समझते ही हैं। तो अब ये चेतावनी थी उन कथित दलितों को जो जय मीम जय भीम का गीत गा रहे थे। मतलब वारिस पठान ने दलित मुस्लिम एकता के बैनर के ढोंग पर लात मारकर बता दिया कि चाहे चंद्रशेखर रावण हो या मायावती, जिग्नेश मेवानी हो या कन्हैया कुमार, ये सब भी इनकी हिट लिस्ट में है। बस मौका इंतजार का है। केवल यही नहीं बल्कि वो नकली बौद्ध भी जो अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार से सबक न लेकर बुद्ध के उपासक बनने के बजाय मंचों पर मौलानाओं के पैरों में बैठे हैं, ये चेतावनी उनको भी थी। ये चेतावनी थी उन सिख भाइयों को जो अपना कथित फ्लैट बेचकर शाहीन बाग में बिरयानी परोस रहे थे। ये चेतावनी थी रविश कुमार से लेकर सौरभ भास्कर को, अनुराग कश्यप को और धर्म निरपेक्षता की चादर ओढ़े सभी सेकुलर और वामपंथियों को। अपने एक ही बयान में वारिस पठान ने बता दिया कि कुछ भी कर लो, हमारी नज़रों में आप सब काफिर हैं और काफिर का इलाज हमारी पुस्तक में साफ साफ लिखा है। खैर, एक ऐसे भ्रम का शिकार कभी अंबेडकर से बड़े एक दलित नेता जोगिंद्र नाथ मंडल भी हुआ करते थे। वह दिन रात दलित मुस्लिम एकता का सपना देखा करते थे। नतीजा, हिंदू होने के बावजूद उसने बंटवारे में भारत की जगह पाकिस्तान को चुना। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कुछ ही दिनों में उनके सपने पर लात लगी और किसी तरह भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। जोगिंद्र नाथ मंडल एक कथित पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी राजनीति को भी पिछड़ी जाति के इर्द गिर्द रखा था। पिछड़ी जातियों में खासकर बंगाल में उनका अच्छा रसूख था। हिंदुओं को कोसकर मुसलमानों के वर्चस्व वाली पार्टी मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। उनके मुस्लिम लीग में जुड़ते ही जिन्ना के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान फैल गई थी कि मुस्लिम लीग में मंडल की मौजूदगी पाकिस्तान मूवमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस वजह से मंडल कुछ ही समय में जिन्ना के बेहद खास हो गए और पार्टी में उनका कद शीर्ष के नेताओं में शुमार हो गया। अब मंडल भी खुलकर जिन्ना के सिद्धांतों की प्रशंसा करने लगे, लेकिन जिन्ना भी इस राजनीति के मायने समझ रहे थे। तभी उन्होंने इसको एक और अच्छी तरह भुनाना शुरू कर दिया। इस वजह से बंटवारे के राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलने लगे। नतीजा ये हुआ कि मंडल और उसके अनुयायियों ने कांग्रेस पार्टी की तुलना में जिन्ना की मुस्लिम लीग को अधिक धर्मनिरपेक्ष समझना शुरू कर दिया। मंडल को एक भ्रम हो गया था कि गांधी के भारत के बजाय जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान में अनुसूचित जनजाति जाति की स्थिति बेहतर होगी। अब वे खुलकर अलग पाकिस्तान के समर्थन में आ गए और शेष दलितों को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ने में जुट गए। मुस्लिम लीग का मकसद था भारत को जितना हो सके उतना बांटकर पाकिस्तान के नक्शे को बड़ा करना। इसीलिए उन्होंने मंडल को प्रत्येक मौके पर पार्टी में खास साबित किया। लीग के नेता बखूबी जानते थे कि केवल मुसलमानों की राजनीति से पाकिस्तान का नक्शा बड़ा नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि दलितों को भी साथ रखा जाए। कल तक जिन्ना जिस पाकिस्तान का वजूद मुसलमानों में तलाश रहा था, अब उस तलाश का केंद्र दलित मुसलमान हो चला था। लेकिन इनकी सोच के बीच में एक दीवार थी जिसका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। मुस्लिम लीग और जोगिंद्र नाथ मंडल की दलितों और मुसलमानों का पाकिस्तानी वाली सोच से अंबेडकर गहरा विरोध रखते थे। अंबेडकर जी भारत विभाजन के विरोध में तो थे ही, वे दलितों के लिए भारत को ही उपयुक्त मानते थे। वे जानते थे कि मुसलमान सिर्फ दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि भारत का बंटवारा मजहबी आधार पर हो रहा है तो ज़रूरी है कि कोई भी मुसलमान भारत में ना रहे और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी भारत आ जाना चाहिए।
इस बात से नाराज होकर मंडल ने बाबा साहब से भी किनारा कर लिया। इसके बाद जोगिंदर नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की तरफ से भारत विभाजन के वक्त एक अहम किरदार निभाया था। बंगाल के कुछ इलाके जहां हिंदू, जिसमें दलित भी शामिल है, और मुसलमानों की आबादी समान थी, वहां पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल होने हेतु चुनाव कराए गए। इन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करने हेतु जरूरी था कि सारे मुसलमान और हिंदुओं में से पिछड़ी जातियां पाकिस्तान के पक्ष में वोट करें। जिन्ना ने इसकी कमान जोगिंदर नाथ मंडल को सौंप दी थी। जैसे आज इस कमान का मुख्य चेहरा बामसेप वाला वामन मेसराम, चंद्रशेखर रावण, जिग्नेश मेवानी आदि बना दिए गए हैं। खैर, जोगिंदर नाथ मंडल दलितों के दिमाग में इस बात को घुसाने में कामयाब रहे कि मुस्लिम ही दलितों के सच्चे मसीहा है और पाकिस्तान में दलितों के हितों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाएगा। मंडल के मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ दिए गए जहरीले बयानों ने दलित मुस्लिम एकता को पक्का कर दिया और पिछड़ी जातियों के वोटों को पाकिस्तान के पक्ष में कर लिया। और इस तरह जोगिंदर नाथ मंडल की सहायता से जिन्ना ने भारत के बड़े हिस्से को पाकिस्तान के नक्शे में समाहित कर लिया। अब पाकिस्तान के नक्शे को बड़ा करने के लिए मुस्लिम लीग ने जिस तरह मंडल का इस्तेमाल किया, वह पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की उन कहानियों जैसा था जब एक विलन किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए टॉफी या चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। बंटवारे के बाद मंडल एक बड़ी दलित आबादी लेकर पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने भी उनके कर्ज उतारते हुए उन्हें पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री का पद दे दिया गया। उन्हें लगने लगा कि अब पाकिस्तान में विस्थापित हुए दलितों के लिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मंडल के कहने पर भले ही दलितों के एक तबके ने अपने आप को हिंदुओं से अलग बताकर पाकिस्तान चले जाना सही समझा, लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए एक खुराक बनना शुरू हो गए। धीरे धीरे दलित हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए और मंडल की अहमियत भी खत्म कर दी गई। दलितों की निर्ममतापूर्वक हत्याएं, जबरन धर्म परिवर्तन, संपत्ति पर जबरन कब्जा और दलित बहन बेटियों की आबरू लूटना, ये सब पाकिस्तान में रोज की और आम बात हो गई थी। इस पर मंडल ने मोहम्मद अली जिन्ना व अन्य नेताओं से कई बार बात भी की, लेकिन उन नेताओं की चुप्पी ने मंडल को उन्हें आईना दिखा दिया था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे ज़्यादातर दलित या तो मार दिए गए या फिर मजबूरी में उन्होंने इस्लाम अपना लिया। इस दौरान दलित अपने ही नेता, अपने ही देश के कानून मंत्री के सामने मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंडल यह सब देखकर दलित मुस्लिम राजनीतिक एकता के असफल प्रयोग के लिए खुद को कसूरवार समझने लगे और अपने आप को गहरे संताप व गुमनामी के आलम में झोंक दिया। दलितों की अधमरी स्थिति को देखते हुए मंडल ने पाकिस्तान सरकार को कई खत लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। और तो और, एक हिंदू होने के कारण उनकी देशभक्ति पर भी वहाँ सवाल उठाए जाने लगे। स्थितियों को भांपते हुए 8 अक्टूबर 1950 की रोज़ जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत आ गए। वे गए तो थे लाखों अनुयायियों को लेकर, लेकिन आए तो अकेले शरणार्थी बनकर। वे दलित वहीं रह गए जो मंडल के कहने पर अपना देश छोड़कर चले गए थे। दलित मुस्लिम एकता की कीमत आज तक वे आबादी वहाँ चुका रही है। वे हर रोज़ अपमानित हो रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, अपमान के घूंट पी रहे हैं, मैला उठा रहे हैं, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। मानो हर दिन मंडल के फैसले के कारण वो मर मर कर जी रहे हैं। खैर, 5 अक्टूबर 1968 को जोगिंदर नाथ मंडल का निधन उनकी जननी जन्मभूमि पर, इस भारत भूमि पर हो गया। लेकिन उनकी मौत के लगभग 50 साल बाद आज वही प्रयोग एक बार फिर दोहराया जा रहा है, फिर वही नीति दोहराई जा रही है। आज नए जोगिंदर नाथ मंडल फिर उठ खड़े हो रहे हैं, चाहे इनमें चंद्रशेखर रावण हो, वामन मेसराम हो, जिग्नेश मेवानी हो या बामसेप के ढोंगी हो। सीधे साधे दलित भाई बहनों को उसी नीति के तहत फिर भड़काना शुरू कर दिया। इसमें मूल निवासी का इंजेक्शन है, मनुवाद को गाली है, मौलानावाद को ताली है, हाजी हज्जामों इमामों के चरणों में बैठे इनके कथित नेता है, मतलब बिल्कुल वही 70 वर्ष पुरानी सेम स्क्रिप्ट है। बस चेहरे बदले, सन बदले, साल बदले, एक बार फिर धोखे का शिकार दलित समुदाय होने जा रहा है।